उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंच चुके हैं। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के स्वागत में वो भी पहुंचे हुए हैं। राणा जी, ये बताइए कितना शुभ पल ये मानते हैं और कई वर्षों की मेहनत के बाद ये शुभ घड़ी आई है? नहीं, आज ये बेहद शुभ पल है और मैं कह सकता हूँ बेहद ऐतिहासिक पल भी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हुआ है। और जो हमारे पौराणिक हमारी ताकत है, जो सांस्कृतिक हमारी ताकत है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको संभाल करके रखना, संजो करके रखना, माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति जो लगभग 107 साल पहले काशी से तस्करों के द्वारा चोरी करके लेकर के जाई गई थी, उसे कनाडा से वापस ला करके एक बहुत ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक 5 दिवसीय यात्रा मूर्ति की पुनर्स्थापना की, जो आज से शुरू होकर के 19 जिलों में होती हुई और 15 तारीख में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में और ये स्थापना की जाएगी। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का पल है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली है, व्यक्तिगत रूप से वार्ता की है और कनाडा से गैलरी से इस मूर्ति को मंगवाया है, तो मां अन्नपूर्णा की कृपा हम सब पर बनी रहे। मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर बनी रहती है। उसी का परिणाम है कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है। उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 18 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की योजना चल रही है, जो दीपावली से लेकर के होली तक लगातार कंटिन्यू होने वाली है। मैं कह सकता हूं कि ये हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है, बहुत सुखद पल है, बहुत ही गौरव का पल है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सुरेश जी, अगर माना जाए तो मुख्यमंत्री जी भी 15 तारीख को पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ, इसके अलावा कई मंत्री और विधायक नेता भी पहुंचेंगे, तो वो पल किस तरीके से होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से तो अब देश की जनता को उस प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होने अब शुरू हो जाएंगे। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का वातावरण पैदा किया है और जिस तरह का माहौल दिया है, मैं कह सकता हूँ ये उत्कृष्ट काल है। परम वैभव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो आज भारत की कल्पना है, पूरी दुनिया के अंदर जो आज भारत का वैभव है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भारत माता की जय के नारे लगते हैं। और कल्पना आप देखिए कि अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को 107 साल बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत और अथक प्रयासों से वापस लाया गया है। मैं कह सकता हूं अपने आप में ये देश के लिए गौरवशाली क्षण है। शोभा यात्रा में कितने मंत्री शामिल होंगे? नहीं, यहां से लेकर लगातार एक मंत्रियों की पूरी एक फौज और मैं कह सकता हूं कि लाखों लोग जगह जगह खड़े हैं। सुबह से समाचार मिल रहे हैं गाजियाबाद से लेकर के और सोरो तक लगातार भीड़ लगी है। लोग स्वागत करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, सड़कों पर लोग उमड़े हैं। ये हम सब के लिए बड़ा ऐतिहासिक पल है। देखा, हमारे साथ गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि मंत्रियों की एक फौज इस शोभा यात्रा में लगी है और जगह जगह लोग इस प्रतिमा के दर्शन के लिए, इसके स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। बस उन्हें इंतजार है तो मां की उस शोभा यात्रा का, कि जब उस पल में वो दर्शन कर सके और पुष्प वर्षा कर मां अन्नपूर्णा का स्वागत कर सके। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।